शानशाह किम जोंग उन पर हमेशा एक सनक सवार रहती है। इसी सनक की वजह से उसने उत्तर कोरिया के लोगों के लिए बेहद कड़े नियम बनाए। जो भी नागरिक किम जोंग के बनाए नियमों को तोड़ता है, तानाशाह उसे सख्त सजा देता है। किम जोंग काफी वक्त से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी जब उसने मिसाइल परीक्षण करना बंद नहीं किया तो यूनाइटेड नेशन ने उत्तर कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। उत्तर कोरिया पर जब से प्रतिबंध लगा है उसकी इकोनॉमी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। किम जोंग के पास अब अपनी सरकार का खर्च उठाने के लिए भी पैसे नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार का खर्च चलाने के लिए किम जोंग ने अब अपने ही नागरिकों को गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने हजारों नागरिकों को गुलाम मजदूर बनाकर रूस भेज रही है। इन मजदूरों के एवज में किम जोंग को 7,500 करोड़ रुपए मिलते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित डाटाबेस सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया से करीब 50,000 लोग रूस भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस में नागरिकों का भीषण शोषण होता है और उनसे 15-15 घंटे तक काम करवाया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हाल ही में एक फुटबॉल मैदान बनकर तैयार हुआ। इस मैदान को कोरियाई मजदूरों ने ही बनाकर तैयार किया है। यही नहीं, मास्को में बन रहे कई लग्जरी अपार्टमेंट्स को भी कोरियाई मजदूर ही तैयार कर रहे हैं।